बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुगरा सदफ। आज 4 अक्तूबर है और हर दिन के हवाले नाल असीं देखने आ कि कई चीज़ा सानू नज़र आंदियां ने। कुछ लोग जिहड़े साडे कोल विछड़ गए ने, और कुछ लोगों की सालगिरह होंदी है, कुछ की बरसी होंदी है, कुछ खास दिन मनाए जाते हैं किसी न किसी हवाले नाल। हर दिन दे नाल कोई ना कोई याद जुड़ी होंदी है, और वो याद कदी कदी दिल दुखांदी है और कदी कदी हसांदी भी है। और वड्डे लोग जड़े ने जदों जग तो टुर भी जाते हैं तो भी वो साढ़े विचकार मौजूद रहते हैं। खास करके असी गल करिए गुलूकारां दी, सदाकारां दी, फनकारां दी, ते उन्हों दा फन जड़ा है जीवित रहिंदा है। ते वो सानू कदी भी ये महसूस नहीं होंदे कि वो साढ़े नाल नहीं, वो जग तो टुर गए ने। मेरे हाल है कि बुल्ले शाह ने इहो जिहे लोगों लई कहा सी, बुल्ले शाह सा मरना ना ही गौर पिया कोई होर। ये तो उन्होंने नज़रिए की गल की, लेकिन मैं समझनी हूँ कि जड़े एक फन के हवाले नाल भी असीं इसे गल नूं अगे टोर सकने हैं कि फन जीवित रहिंदा है, लोगों के होठां ते मुस्कुराहटां खिलांदा रहिंदा है, हासियां दे फुल और कदी कदी अथरू बन जांदे। ये भी ज़ात दा कथारसिस है, बंदा हसदा है, रोंदा है, तो अपना कथारसिस कर रहा होंदा है। तो अज 4 अक्तूबर है, और अज के दिन भी साढ़े कोल एक बड़ा ही सोहना गुलूकार अदाकार भी मसूद राणा विछड़ गए अज के दिन। और मसूद राणा एक बहुत ही खूबसूरत गुलूकार सन। उन्हां दी पैदाइश जिहड़ी है सिंध मीरपुर खास विच होई, और ये जनाब जड़ा सन है उन्हां दी पैदाइश दा 1938 है, यानी पाकिस्तान बनन तो काफ़ी साल पहला, वो कोई 8-10 साल पहला वो पैदा होए। और फिर एक आज़ाद मुल्क विच उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया तकरीबन 1962 के आल दुआल। और फिर 4 अक्तूबर 1995 इस जग नू रब रखा के उस जग विच अपड़ गए जिथों जा के कोई मुड़ नहीं आता। मसूद राणा दे असी जदों फिल्मी कैरियर की गल करने हैं तो 1938 चो पैदा होए ने, और 1962 गुलूकारी वाला आए। तो तुसी देखो कि बड़ा घट एक सानू वक्त दिसदा है कि कोई तकरीबन 25-30 साल की उम्र का एक नौजवान कि जिहड़ा अपनी खास पहचान बना लैंदा। जाहिर है इस तो पहला भी उन्होंने जरूर कुछ सीखण च काम किया होना है, कुछ होर गाया भी होना है, लेकिन उन्हें इतनी पॉपुलरिटी ना मिली होवे। लेकिन जो उन्होंने फिल्म के गाने गाए ने तो फिर वो छा गए, और उनकी आवाज़ भी जिहड़ी एक नगमगी और सुर जड़े उन्होंने ताकतवर सुर सन, वो जदों गाना गाते सन तो मेरे ख्याल है कि फिर सारा जड़ा माहौल है उन्हें बन लेंदे सन। और उन्होंने एक गाना जड़ा है, बहुत सारे गाने से उन्होंने जिक्र भी करांगे, गलबात भी करांगे, टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते भावें चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। मैं जदों भी ये गाने देखनी हाँ तो मैं जरूर सोचनी भी हाँ, और साड़ी फिल्मी शायरी भी दा तुसी तज़करा करो तो उहदे विच भी खैर की गल है, मुहब्बत की गल है, अमन की गल है, रवादारी की गल है। तो वो साड़ा जिहड़ा कि सूफियाना मिजाज है, एक सूफिया की तालीमात ने उन्हों का सुनेहा जड़ा है वो साढ़े शायर के दिल तक रपड़ता है। वह रूमानी शायरी करे या वह फिल्मी शायरी करता है, जाहिर है फिल्मी शायरी भी रूमानी होंगी है, लेकिन एक गज़ल लिखे, गीत लिखे, कोई भी वो चीज़ लिखता है तो उसदे विच एक सूफियाना रंग जरूर होंदा है। और असी गल कर रहे सी मसूद राणा दी, जिन्हां दी अज बरसी है, और वड्डे लोगों की वैसे कहते बरसी नहीं होंदी है, वह जीवित ही रहिंदे ने हमेशा। तो 4 अक्तूबर 1995 नू इस दुनिया तो टुर गए, और उम्र जिहड़ी है उन्हां दी बहुत थोड़ी सी, और शायद वह रब ने उन्होंने को जितना काम लेना सी वो ले चुकिया सी, क्योंकि ये तो साड़ा ईमान है कि इंसान के जम्मन च और मरण च कुदरत वालों जो मिथ्या होया वेला आता है वो एक पल भी अगे पिछे नहीं हो सकता। लेकिन इतनी घट उम्र भी मसूद राणा ने 700 तो ज़्यादा गाने गाए, और एक बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल है कि तुम 1962 तो कैरियर शुरू कर रहे हो और 95 तिकर जा रहे हो, तो तुम देखो कि 30-32 साल के दौरान उन्होंने 700 गाने गाए। उन्होंने अगर तकसीम करो तो फी दिन कितने गाने बनते हैं। तो एक ऐसा फनकार कि जिन्हें बहुत ज़्यादा गाया, लेकिन उसकी हर गाने विच एक सानू खास मिठास नज़र आती है। और बाज़ औक़ात असीं कई ऐसे गुलूकार देखते हैं कि उन्होंने बड़ा गाया और सोना भी बड़ा चंगा भी गाया, लेकिन उन्होंने जो सारी हयाती फरोली है ना तो
चंद ही गीत निकलते हैं कि जड़े सब की यादाश्त किधरे किधरे सामभे होंगे ने, लेकिन मसूद राणा के यहोजे सानू सैकड़ा गाने लभदे ने कि जड़े अज भी साढ़े रेडियोज़ ते साढ़े मोबाइलों ते और साढ़े आले दुआले गजदे वजदे रहिंदे ने। जनाब असीं याद कर रहे हैं मसूद राणा नू, और अज 4 अक्तूबर है, अज दे दिन वह साढ़े तो विछड़े। और मसूद राणा दियां फिल्मां दा असीं तज़किरा करे सी कि उन्होंने 700 तो ज़्यादा गाने गाए, लेकिन उन्होंने अदाकारी भी की। जाहिर है कि अल्लाह ने शक्ल भी सोहनी दी सी। फिर साढ़े माजी च असीं देखने कई साढ़े गुलकार ऐसे ने कि जिन्होंने गुलकारी दे नाल नाल उन्होंने फिल्मों भी अपनी किस्मत आजमाई, और कुछ लोग तो बहुत कामयाब होए। कुछ लोग ऐसे सन कि जी फिल्मों तो गुलकारी लाए, जिस तरह इनायत सैन पट्टी का असं देखने कि पहला उन्होंने फिल्मों अपनी चंगी जान पहचान बनाई अदाकारी, फिर उस तो बाद गुलकारी लाए, उत्थे भी उन्होंने अपना बड़ा झंडा जरा बुलंद किया। तो मसूद राणा ने भी कुछ फिल्मों काम किया, और लेकिन उन्होंने इनू ज़्यादा वो तूल ना दे सके क्योंकि उन्होंने जोड़ा असल शोभा असल पसंद सी वह गुलकारी सी। बहुत सारिया दुआवं बहुत सारिया खूबसूरत यादा नाल आज दा दिन तुसी सुनो FM 95 पंजाब रंग ते और बिलाक लोक स्टूडियो ते तस्करा सुनो मसूद राणा दा, और उन्होंने गाने सुनो, उन्होंने याद करो, उन्होंने दुआ करो, और इक्के दुआ भी करो कि साड़िया हवावां च साड़िया फिजावां च साढ़े आले दुआले गाने वजदे रहन, क्योंकि जो गाने वजदे ने तो वह सुख का सुनेहा होंदा है, अमन का सुनेहा होंदा है, खुशी का सुनेहा होंदा है। तो जो किधरे कोई हादसा हो जाता है तो साढ़े साह भी रुक जाते हैं, तो साड़ा म्यूजिक भी रुक जाता है। ये म्यूजिक ये सुर ये खुशी सुख हमेशा कायम रहन। रब रखा।